महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील स्थित चकदह गांव में कल शाम बकरी चराने एक 10 वर्षीय बच्चा तेंदुआ का शिकार बन गया। बकरी चराने के दौरान तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर उसे घसीटते हुए जंगल में ले गया था। वहीं काफी खोजबीन के बाद आज सुबह उसका छत विच्छत सब जंगल में बरामद हुआ है। तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत के पूरे गांव एवं आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक जंगल के किनारे बसे चकदह गांव में निवासी 10 वर्षीय अमित यादव अपनी बकरियों को लेकर गांव के ही समीप जंगल के किनारे घास चराने गया था। इसी दौरान तेंदुए ने अमित पर तेजी से झपट्टा मारकर अपने कब्जे में कर लिया और उसे लेकर जंगल में चला गया। आसपास के लोगों ने देखा कि तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया है, जिसके बाद पूरे गाँव में शोरगुल मच गया। भारी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडा लेकर जंगल में बच्चे को ढूंढने निकले, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चला। वहीं आज सुबह एक बार फिर ग्रामीण जंगल में बच्चे को ढूंढने निकले तो देखा कि जंगल में उसका छत बिछत शव पड़ा है और पास में ही तेंदुआ भी मौजूद है, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ को देखकर तेंदुआ मौके से भाग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और वन विभाग की टीम काफी देर तक जंगल में तेंदुए की तलाश की, लेकिन तेंदुआ अभी तक नहीं मिला। वहीं वन विभाग के रेंजर ने बताया कि जल्द ही पिंजरे के माध्यम से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। जैसे सुबह हमको 8 बजे खबर मिला है कि कल शाम को 5 ही बजे जो है तेंदुआ जो है बच्चे को लेकर भागा है। वो बाग में खेल रहा था तो सुबह हमको फोन आया है गाँव की तरफ से कि एक बच्चे को तेंदुआ लेकर भागा है। तो सुबह जब पहुंचे हैं तो गाँव के लोगों के साथ गए हैं तो नदी के किनारे जो है बच्चे की लाश मिली है, बरामद किया गया है। उसके बाद तत्काल हम फोन लगाए हैं, वन विभाग को फोन लगाए हैं और एसओ साहब से बात किए हैं और हमारे हिंदू वाहिनी के जो है जिला अध्यक्ष नरसिंह पांडे जी को बताए हैं और बीट के पुलिस को भी बताए हैं और रेंजर साहब के पास फोन किए हैं तो कह रहे हैं कि प्रधान जी अभी तो हम स्नान कर रहे हैं और उनके आने में कम से कम 4 घंटे लग गया जो है यहाँ पर। गाँव में क्या स्थिति? अब गाँव में भय की स्थिति है। हाँ, तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के द्वारा, अब वन विभाग के द्वारा बताया गया है कि जो है कि प्रयास किया जाएगा। अब मैं तो अभी नया नया ज्वाइन किया हूँ, संज्ञान में आज ये बात आ रही है। अब इसके लिए तो मैं पिंजड़े लगवा करके प्रयास करूंगा, उच्च स्तर से निर्देश ले करके। सर, जिस तेंदुए ने हमला किया था क्या उसका अभी अपडेट है? आज का जी जी, अभी क्या उसको पकड़ने के लिए? देखिए, अभी तो मैं मौका देखूंगा, पहले तो पग मार्क्स वहाँ मौजूद होंगे, टाइगर है, लेपर्ड है, किस जानवर से हमला हुआ, थोड़ा सा ये भी अभी क्लियर होना बाकी है। गांव में भय का माहौल ना बन पाए इसके लिए क्या कुछ? अब इसके लिए थोड़ा से है कि मैं अपने स्तर से एक तरह से सुझाव देना चाहता हूँ कि अकेले दुकेले में जंगल से किनारे जाने से बचें और जाएं भी तो समूह में जाएं। वैसे तो मैं अभी DFO साहब से वार्ता करके ये प्रयास करूँगा कि पिंजरा लगवा दिया जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।